तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है गुरुदेव होटल में जाने का। चीयर्स। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुए हैं इवनिंग के नहीं रात के 9 बजे हैं 9 में 10 मिनट परे हैं और मैं हुई हूँ रेडी। तो आज इनको छुट्टी है, ट्यूसडे है, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है गुरुदेव होटल में जाने का। कल्याण का जो गुरुदेव होटल है, गुरुदेव एनेक्स, पहले भी आपके साथ शेयर किया है वीडियो, वो हमारा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है। बट वहाँ पे ना अभी क्या हो गया, यहाँ पे आई हूँ ना, उसके बाद मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ, ज़्यादा नहीं गई हूँ, 9 मंथ्स हो गए तो गए नहीं है। तो कल ऐसे ही काजल ने और मैंने प्रोग्राम बनाया, वह हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम से नहीं गए हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है, वहाँ का डोसा वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो खाने जा रहे हैं। अभी रेडी हुई हूँ, आरती हो गई और नाश्ता वगैरह भी घर में ही बनाया मैंने, राइस बनाए थे आफ्टरनून में, राइस और चवली, तो उसके ही तड़के में, देखे जैसे मैं बनाती हूँ राइस को मिर्ची और हल्दी डाल के राई के तड़के में बनाती हूँ, वैसे बनाया, इन्होंने भी खाया, मिक्स लेके आई काजल, मिक्स डाल के ऊपर से खा लिया, थोड़ा सा नाश्ता खाया। फिर क्या, वहाँ पे जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, अगर ज़्यादा खा के जाएंगे ना वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगता है। फिर मैंने बोला थोड़े ही राइस पड़े, वैसे भी थोड़े थोड़े करके खा लेते हैं, खा के फिर निकलते हैं। अभी काजल बस हेयर सेट कर रही है अपने, हो जाए, अभी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, तो निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगी बहुत, 9 बजे हैं, यहाँ से दूर है, जाने आने में भी टाइम ही लगेगा। तो हबी से भी मिलिए, रेडी है ये भी, बस निकलने की तैयारी है, रेडी हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पहन, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, तो ये मैंने मिड्डी निकाली काजल की, मैंने बोला मिड्डी निकाल, मिड्डी पहन रही हूँ मैं इतनी गर्मी में, क्या ही समझ में आया। अच्छी अच्छी मिड्डीज निकाली काजल ने, एक मेरी सीक्वेंस की है जो मैंने बर्थडे पे पहनी थी गोल्डन कलर की, वो निकाली, एक दूसरी सीक्वेंस की निकाली, फिर निकाल के मैंने बोला जाने दे, काजल भी बोल रही थी मम्मी गर्मी नहीं हो, मैंने बोला ये निकाल के दे जो लाइट वेट है, ये पहन के चल रही हूँ जैसे अच्छे से घूम के आऊँ, नहीं तो इतनी गर्मी में परेशान हो जाएंगे। बारिश पड़ नहीं रही है, बोल बोल के पड़ नहीं रही है बारिश, आप बोल रहे बारिश पड़ेगी, 4 तारीख आज आ गई, नहीं पड़ रही है बारिश, इतनी गर्मी ज़्यादा हो गई है। रेडी हो रहे हैं तब से काजल भी, अभी एसी में ही बैठी है, एसी चालू करके रेडी हो रहे हैं, कभी भी रेडी हो रही हूँ ना या वीडियो शूट करने के लिए या कुछ भी, एसी चालू करके बैठना है इतनी देर, फिर मुझे ना रात में नींद नहीं आ रही है, क्यों तो ज़्यादा देर एसी में ओवर बैठ जाती हूँ ना, प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो अभी काजल भी रेडी हो रही है, फटाफट से निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैब बुक कराएगी, फटाफट निकलेंगे। तो जी काजल भी रेडी हो चुकी है, ब्यूटी क्वीन और मैं भी रेडी हूँ, सब रेडी हैं, अभी चलने की तैयारी है, जल्दी से कैब बुक करेगी तो निकल चलते हैं, तीनों के तीनों रेडी है। तो अभी 9:15 बज गए हैं, हम जहाँ पे भी जाए लेट हो, हमें ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं पे भी जाना है लेट ही जाना है, चलो जल्दी करो फटाफट से। कैब भी बुक हो चुकी है, फटाफट से निकल रहे हैं, चाबी क्या जी, हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट, और यहाँ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या मंगाए खाने में। काजल को बोला काजल तू ही देख क्या मंगाए, तो काजल ने बोला पहले हम
मंचूरियन मंगा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। पहले तो ड्राई मंचूरियन उसको अच्छे लगते हैं तो वो मंगा लिए हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है ना, हमने नाश्ता खाया है ना, तो वो सबको ऐसे लग रहा है पेट हमारा भर गया है ज़्यादा। और नहीं खाती थी तो भी ये टाइम तक मैं बैठ नहीं पाती थी। हमने ना ऑर्डर करने से पहले ही वेटर को बोल दिया हम जो भी मंगाएंगे स्पाइसी नहीं लेके आना। तो उसने बोला मीडियम स्पाइसी हो या बिल्कुल फीका हो, तो हमने बोला फीका। लेकिन ये मंचूरियन खाया तो मिर्ची तो नहीं थे, मीन्स स्पाइसेस थे नहीं, बट वो ज़्यादा फीके लग रहे थे। हमें ना थोड़ा स्पाइसेस खाने की काजल और मुझे आदत है, हबी की वजह से खा नहीं पाते हैं, उनको स्पाइसेस खाने नहीं है। तो फिर अभी सोच रहे थे वो भी तो खाए ना, क्यों तो आए हैं तो वो भी टेस्ट तो करे ना थोड़ा। तो बिल्कुल सिंपल लग रहे थे। अभी मंचूरियन तो हो गए, फिर अभी खाना डिसाइड कर रहे क्या खाए। खाने में हमने ऑर्डर किया है पूड़ी भाजी, क्यों तो हम सोच रहे थे क्या खाए। तो पूड़ी भाजी काजल ने बताया है, तो मैंने बोला पहले तो पूड़ी भाजी बहुत अच्छी लगती है। फिर इन्होंने बोला पूड़ी भाजी के साथ तू डोसा भी खा ले, क्योंकि तो डोसा तुझे अच्छा लगता है, यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। डोसा सब्जी जो होती है और सांभर होता है ना, बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो हबी बोल रहे थे डोसा भी साथ में मैं मंगा लेता हूँ, मसाला डोसा। मैंने बोला रुको आप देखो, मैं पहले खा लूँ पूड़ी सब्जी, पूड़ी भाजी खा लूँ, फिर देखते हैं भूख होगी तो मैं मंगाऊंगी। पहले से ही पेट भरा भरा हुआ लग रहा था, पर मैं एक्स्ट्रा कुछ खा नहीं पाई, मेरा पेट भर गया। तो जी गाइस, अभी रात के 12 बजे हैं, 12 में 5 मिनट पड़े हैं और जस्ट अभी अभी हम पहुँचे हैं। बैठ बैठ के थक गए, ऑटो बुक कराया जाने के टाइम पे भी आने के टाइम पे भी, फटाफट मिल गया तो मैंने बोला ऑटो ही बुक कर। मम्मी को बोला मैंने चलने के लिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम तीनों ही थे खाली, तो ऑटो में गए, ऑटो में ही आए, पर ओला के ऑटो में। तो फटाफट मिल गया आने के टाइम, पौना घंटा लग रहा है हमें यहाँ से वहाँ तक, रेस्टोरेंट तक, वहाँ से यहाँ तक। मीन्स बैठ बैठ के मैं तंग हो गई हूँ, मीन्स इंसान बैठ के तंग होता है, मेरे तो हाथ भी थक गए बैठ बैठ के, हाथ भी थक गए, इतनी थक गई मैं बैठ बैठ के। फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स के बाहर ही इन्होंने ऑटो खड़ा कर दिया, बोला थोड़ा चल के जाते हैं, खाया है थोड़ा जम हो। और जो वैष्णो होटल हमारा फेवरेट था, वो जो उल्लासनगर में था, वो यहाँ पे भी खुला है, मीन्स अंबरनाथ में भी खुल गया। पहले तो बोले थे कितने दिन से बोर्ड लगा रखा था काजल, और ये बोले थे वैष्णो होटल ओपन हुआ है यहाँ पे चलेंगे। फिर जाने के टाइम पहले ओपन नहीं हुआ था, आज ही देखा तो आज ओपन हुआ था। मेरे बोला पता होता था तो हम वैष्णो होटल में ही जाते थे। इतना दूर जाके मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के। वो बैठ कैसे गई है इतने सारे तकिए लेके। बोले पाव भाजी खाते हैं, फिर साथ में मैं डोसा भी मंगाता हूँ। बट जैसे ही हमने मंचूरियन वगैरह खाया, पाव भाजी खाया, पेट मेरा भर गया। मीन्स मंचूरियन खाने के टाइम ही लग रहा था पेट भर गया, क्योंकि तो आपको मैंने बताया यहाँ से मैं नाश्ता भी खा के गई थी, राई के तड़के वाले राइस बनाए थे और चाय वगैरह बनाई थी। क्योंकि तो टाइम हो जाता है ना, अगर 6:30 7 हो गया नाश्ता नहीं खाया ना, तो एसिडिटी मुझे शुरू हो जाती है। मीन्स खाना मुझे टाइम पे चाहिए, शाम का नाश्ता ज़रूरी चाहिए। और हाँ, आपको एक सरप्राइज़ देना है, यानी आपको भी पता चला होगा, हैप्पी 2K सब्सक्राइबर्स, मेरे 2K सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर दिए। तो चलो आज ऐसा ही समझो, 2K सब्सक्राइबर की पार्टी की हम लोगों ने, 2K सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन भी हो गई। हाँ, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, आज हमारी 2K सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन थी। हाँ, आप सब नहीं थे खाली साथ में, चलो आप सब भी होते थे साथ में, पार्टी वगैरह करते थे, वो नहीं हुआ। आप सब की याद में मैंने पूरी भाजी खा ली, और आप सब की याद में मैंने मंचूरियन खा लिए, और आप सब की याद में मैं अभी मैंगो शेक भी पीऊँगी। और आप भी मुझे याद करो, ऐसे ही प्यार देते रहो, ढेर सारा प्यार चाहिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो जल्दी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो मुझे, 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे आप सबके प्यार से। तो अभी जल्दी से मैं शेक भी बना के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी गाइस, अभी रात के 1:45 हैं, अच्छा 12:00 1:45 हैं, और काजल और मैं आए हैं मैंगो शेक लेके अपनी टेरेस बालकनी पे। ये सुकून वाली है टेरेस बालकनी हमारी, नहीं? चेयर्स फॉर 2K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ऑल, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। रात के टाइम पे ना यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, मीन्स यहाँ पे ये एक बात अच्छी है, बाहर बैठे रहते हैं मीन्स हवा में, बहुत ओपन है ना, तो नेचुरल एयर भी बहुत अच्छी है। नेचुरल एयर में लोग जाके नीचे बैठ जाते, जैसे मेरा भी आने के टाइम मैंने आपको बताया मन कर रहा था मैं नीचे जाके बैठ जाऊं, पर थके हुए थे तो हबी भी ऊपर ही लेके आए, बोले फिर किसी दिन बैठना, थके हुए हैं अभी,
थके हुए थे तो बोले फिर किसी दिन चलना, तो चली आई मैं। ये टाइम पे ऐसे सब लोग बैठे रहते। एक बार ही ना रात को पूरी रात लाइट बंद थी हमारे यहाँ पे, मीन्स कुछ मिस्टेक हो गई थी पता नहीं क्या। फिर पूरी रात लोग नीचे है जगह बैठने की, मैं आपके साथ बार बार शेयर करती हूँ एरिया, पूरी रात यहाँ पे बैठे थे, पूरी फैमिली की फैमिली, जिनको पप्पीज थे पेट डॉग थे वो भी उनको भी लेके यहाँ पे आके बैठे थे। मीन्स गर्मी का टाइम है पहले ही, फिर कौन बैठे, तो यहाँ पे आके सब बैठ गए थे। मीन्स इतना अच्छा लग रहा था, हम भी रात में यहाँ पे आए थे, बार बार नींद खुल रही थी हमारी। और ये टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा है नीचे रात के टाइम पे, मैंने आपके साथ इवनिंग में ही शेयर किया है, सुबह में या इवनिंग में ऐसे बैठे हैं ना लोग, बैठे रहते वहाँ पे, यहाँ पे गाड़ियाँ घूमेंगी रात के टाइम पे, सब घूमते रहते। काजल की जान निकल रही है, मम्मी कैमरा गिरा दो के नीचे, यहाँ पे लेके खड़े रहो। मिस यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे भी नहीं खड़े उन्हें रहने दे रही है। पागल पागल की बच्ची। इसने अपने आप को पागल क्यों बोल दिया? मैंगो शेक पियो, और बीच में जब भी मैंगो के चंक्स आते हैं ना, मैं जानबूझ के पूरा ब्लेंड नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े चंक्स रहने देती हूँ। फिर वो मैंगो शेक पीने के टाइम पे चंक्स आते हैं तो क्या मासूम मैंगो लगता है। मासूम मैंगो शेक। और मेरे मासूम से सब्सक्राइबर्स, हैप्पी सेलिब्रेशन, हैप्पी 2 के सेलिब्रेशन। और इसी के साथ ही मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। होप आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आ रहे हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, सी यू, चीयर्स, थैंक यू ऑल, लव यू।